एक तो आदमी के पास बिजनेस थमा हुई सब करने का बगैर। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता चल ही चुका है कि पबजी को फाइनली इंडिया से और एशिया से बैन किया जा रहा है। यहां तक कि पबजी ही नहीं 117 ऐपो को और बैन किया जा रहा है इंडिया से, जो कि काफी दुखद बात है हमारे लिए। तो गाइस ये तो हमारे लिए काफी दुख की बात है। मैं भी पबजी खेलता था और मुझे काफी ज्यादा पसंद था ये गेम। मानो पबजी के साथ एक मेरा अट्रैक्शन हो गया था और मेरा ही नहीं काफी सारे लोगों का इस गेम के प्रति बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन था। तो आज हम जानेंगे पबजी के साथ साथ वो कौन सी 117 ऐप है जो फाइनली एशिया से और इंडिया से बैन की जा रही है। तो मेरे साथ गाइस वीडियो में बने रहें, आप लोगों को काफी ज्यादा दुख लगेगा। और लोगों को दुख क्यों ना हो, यही तो एक सिंगल लड़कों का सहारा था और लड़कियों का भी। जिस ऐपों को बैन किया गया है उसकी लिस्ट ये रही, आप लोग गौर से देख लो। आप लोगों का जो बेस्ट ऐप था भाई साहब, अब आप लोगों को छोड़ के जाने वाला है ये, तो उसके लिए रेस्ट इन पीस बनता है। और जिस वीपीएन से टिकटॉक चलता था उस वीपीएन को भी फाइनली अब बैन किया जा रहा है, तो अब आप टिकटॉक नहीं चला सकते। और आपका एक फेवरेट ऐप जिसमें आप अपनी फोटोज और वीडियोस को हाइड करके रखते थे, यानी ऐप लॉक, उसे भी फाइनली बैन किया जा रहा है इंडिया से। जिस गेम को खेलने के लिए हम लोग 30-40 हजार रुपए लगा देते थे एक फोन में, अब वो भी हमें छोड़कर जा रहा है। अभी अभी इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से ये नोटिस आई है कि 118 ऐपों को इंडिया से बैन कर दिया जा रहा है। ये 2020 में गाइस हम लोगों को और क्या क्या देखने को मिलेगा अभी तो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ दुख तो पबजी का ही हो रहा है। मोदी जी, हमने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है, किस जन्म का गुस्सा उतार रहे हो हम लोगों में। और गाइस 117 ऐपों के साथ साथ जो हमारे फोन में जो क्लीनर आता था, जो बूस्ट करता था हमारी फोन को, उसे भी फाइनली बैन कर दिया जा रहा है इंडिया से। ऊपर वाला करे कि पबजी बैन ना हो, इस गेम से ही कितनों की रोजी रोटी की कमाई चलती थी। और अभी अभी कितने भाइयों और बहनों ने इस गेम के ऊपर अपना फ्यूचर बनाया था। बस ऊपर वाले से मेरी यही दुआ है कि पबजी बैन ना हो। गाइस यार इसी के साथ मैं अब चलता हूँ, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना और अपने भाई के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना।